21 नंबर श्लोक हुआ था छठे अध्याय का, 21वां। हरि बोल। 31 होगा, ना ना ना, छठे अध्याय का 21वां होगा ना। नहीं नहीं, 21वां। चलिए जी, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरे, यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। आइए छठे अध्याय का 21 नंबर श्लोक 21। सुखम अत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम्। सुखम अत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम्। अच्छा, एक साथ नहीं बोलना ना, आगे पीछे बोलना। सुखम अत्यंतिकम यत्तत् सुखम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितः चलति तत्त्वतः यम् लब्धवाचा परम लाभम् मन्यते नाधिकं तत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगा वियोग योग संहितम् स निश्चयेन यो उक्तव्यो योगो अनिर्वन्न चेतसा संकल्प प्रभान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसैवेन्द्रिय ग्रामम् नियम्य समन्तत विनियम्य समन्तत शने शनेरुपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया संस्थम मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थितम् ततः स्ततो नियम्येत तदात्मन्नेव वशं नये। प्रशान्तमनसं हयेनम् योगिनं
सुखम उत्तमम् योगिनां सुखम उत्तमम् उपैति शांतरजसम् ब्रह्म भूतम् कल्मषम् जुञ्जनेवं सदात्मानम् योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थव आत्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। कैसा अद्भुत शब्द है, सचा मी ना प्रणश्यति। कहते वो मेरा नाश नहीं करता, मैं उसका नाश नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, जो सब में मुझको मुझ में सबको देखता है वो ना मेरा नाश करता है ना मैं उसका करता। अरे क्या भगवान आपका नाश कोई कर सकता है? एक दूसरा, क्या कोई आत्मा का नाश कर सकता है? तो ना आप उसका नाश करते हो, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप नाश कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो देख लेता है मुझे, जो मुझे देख लेता है और सब में मुझको देख लेता है, मेरे में सब कुछ देख लेता है, कहते उसने देख लिया, इसलिए उसके लिए मैं कभी भी नष्ट नहीं होऊंगा, अर्थात मैं उसके सामने हमेशा रहूंगा और मेरे सामने वो हमेशा रहेगा। यहाँ कह रहे भगवान, ये बड़ी गहरी है। इसमें हम उपनिषदें जब पाठ कर रहे थे ना, तब इसका चिंतन हुआ था, बड़ा गहरा चिंतन था। होरी हो रोये नमः कृष्ण यादवाय नमः।